तो यार गाइस, तो थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिशन्स के लास्ट के हमारे कुछ स्ट्रिंग ऑपरेशंस मिस हो गए थे, वो हम कंप्लीट करेंगे। तो ये बचे हुए स्ट्रिंग ऑपरेशंस कुछ ये हैं: सबस्ट्रिंग्स, पैलिंड्रोम और प्रॉपर्टीज़। तो सबस्ट्रिंग्स के अंदर हमें आएगा प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस, पैलिंड्रोम, और ये प्रॉपर्टीज़ के अंदर आएगा एसोसिएशन प्रॉपर्टी और कॉन्कैटनेशन प्रॉपर्टी। तो अब हम इसे जानेंगे, प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस। तो ये सबस्ट्रिंग्स में हमें एक चीज़ नोटिस करना है कि ये हमारा रहेगा, ये कंटिन्यूस स्ट्रिंग रहेगा, मतलब ये बीच में ये ब्रेक एंड ब्रेक एंड स्ट्रिंग्स नहीं रहेगा, ये कंटिन्यूस स्ट्रिंग रहेगा और इसमें एप्सिलॉन इंक्लूडेड रहेगा। ओके, तो ये सबस्ट्रिंग का हमारा पार्ट रहेगा। तो अब हम इसमें देखेंगे प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस क्या होता है। तो प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक अल्फ़ाबेट लेते हैं। ओके, फोकस। तो ओके, हम एक अल्फ़ाबेट लेते हैं। अब हम अपना अल्फ़ाबेट यहाँ पे ऐसे कुछ भी ले लेंगे, ये इसके अंदर के सिंबल्स हैं। ओके, तो प्रीफिक्सेस लिखने के लिए ये हमारा सिग्मा है। तो इसमें जैसे कि मैं प्रीवियसली कहा था, इसमें एप्सिलॉन इंक्लूडेड रहेगा। फिर उसके बाद हम प्रीफिक्स मतलब इसका स्टार्टिंग वैल्यू लेंगे ए, फिर उसके बाद इसके इसके कंटिन्यूस में जो भी सिंबल आ रहा है उसको लेंगे ए बी, फिर उसके बाद इसके कंटिन्यूस में ए बी सी, फिर उसके बाद इसके कंटिन्यूस में ए बी सी डी। तो ये हमारा प्रीफिक्स वैल्यू हुआ। तो ये अल्फ़ाबेट का हमारा प्रीफिक्स वैल्यू, प्रीफिक्सेस ऐसे लिखेंगे ए बी, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी डी। तो ये हमारा प्रीफिक्सेस हो गया, जो कि हमारा स्टार्टिंग वैल्यू से हम इसे कंसिडर करते हैं। तो हमारा सफिक्स क्या होएगा? ये तो सफिक्स में भी हम एप्सिलॉन इंक्लूड करेंगे, फिर उसके बाद इसको हम लास्ट से कंसिडर करेंगे। तो लास्ट से लास्ट हमारा लास्ट सिंबल है डी, फिर उसके बाद सी डी ऐसे आएंगे सी डी, फिर उसके बाद आएगा बी सी डी, बाद बी सी डी, फिर उसके बाद ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो ये हम इसको लास्ट से कंसिडर कर रहे हैं एप्सिलॉन डी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ओके, तो हमारा सफिक्स होएगा, तो हमारा सफिक्सेस सफिक्सेस का वैल्यू आएगा, सफिक्स का वैल्यू आएगा एप्सिलॉन डी सी डी बी सी डी और ए बी सी डी। तो ये हमारा सफिक्सेस हो गया। ओके, तो ये सबस्ट्रिंग का पार्ट कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद आते हैं पैलिंड्रोम में। तो हमारा पैलिंड्रोम क्या है? तो पैलिंड्रोम एक ऐसा स्ट्रिंग है जो कि हम चाहे उसको फॉरवर्ड तरीके से लिखें या फिर बैकवर्ड तरीके से लिखें, हमारा स्ट्रिंग सेम ही रहेगा। तो इसका कुछ एग्जांपल दे दे रहा हूँ, जैसे कि नोन या मैडम, या फिर हमारा कोई भी स्ट्रिंग हो सकता है 100001। तो ये भी हमारा एक पैलिंड्रोम है। तो हम इसे स्टार्टिंग से लिखें या एंडिंग से लिखें, इसका वैल्यू हमें सेम ही आएगा, स्ट्रिंग का मतलब हमारा सेम ही रहेगा। तो उसके बाद आते हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, प्रॉपर्टीज़। तो स्ट्रिंग प्रॉपर्टीज़, तो स्ट्रिंग प्रॉपर्टीज़ में हमारा मेजरली टू टाइप्स होता है, बाकी और भी सारे इसके अंदर ऑपरेशंस होते हैं, लेकिन मेजरली हमारा एसोसिएटिव और कॉन्कैटनेशन रहता है। तो एसोसिएटिव में क्या रहता है, तो ये देखेंगे। सो एसोसिएटिव में जो भी हमारा इसका एक फॉर्मूला है यू वी, जो कि जब हमारा मल्टीप्लाई होगा डब्ल्यू से, तो वो वैल्यू इक्वल रहेगा हमारा यू इंटू वी डब्ल्यू से। तो ओके, तो इसका एक एग्जांपल देखेंगे। तो अभी सपोज मैं कर रहा हूँ एक्स का वैल्यू इक्वल टू ए बी सी, और वाई का वैल्यू सपोज ले लेता हूँ 1 2 3। ओके, तो एक्स वाई जब हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आउटपुट आएगा ए बी सी 1 2 3। ओके, तो ये हमारा एग्जाम्पल है एसोसिएटिव का। तो अब कॉन्कैटनेशन का देखेंगे।
तो कॉन्कैटनेशन का इसका एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स कमा वाई इक्वल टू 6। ओके, तो अब इसमें सपोज ये हमारा एक्स का ही लेंथ है 3, फिर उसके बाद वाई का लेंथ है 3, तो ये दोनों का सम हमारा इक्वल रहेगा एक्स कमा वाई से। तो ये हमारा कॉन्कैटनेशन का एग्जाम्पल। तो ये बाकी का भी और हमारा ये इसमें लैंग्वेजेस भी एक सब पार्ट है, जो कि जिसका एक्सप्लेनेशन मैं अपने दूसरे वीडियो में लाऊंगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।